किधर गया जी मेरा ये सॉफ्टवेयर ये है। तो कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग जरा बताइए आप लोग। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे जरा बताइए। नहीं बताओगे क्या? तो बताओ जी क्या क्या कल पढ़े। कल आप लोग क्या पढ़े ये बताइए तो मैं आगे चलूं। इच्छा नहीं है बताने का? क्या नाराज हो गए? तो इन तीनों का तो हम कर लेंगे इस्तेमाल जरूरत के आधार पे। लूप स्टेटमेंट आता है फॉर व्हाइल डू व्हाइल, इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे अब भी। ठीक, तो चलिए जी। अच्छा लूप मतलब क्या? लूप से आप लोग क्या समझते हैं? क्यों आप सभी लोग गूगल कर करके पूछिए जरा गूगल से। गूगल से पूछिए हाँ कि लूप माने क्या। लूप का हिंदी मीनिंग क्या? ठीक है आप लोग मत पूछिए गूगल से, मैं ही बता दे रहा हूं। आप म्यूजिक प्लेयर वगैरह चलाते हो ना गाना वाना, तो उसमें रहता है ना कि लूप का ऑप्शन, लूप कर दोगे तो बार 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 रिपीट करेगा गाना को, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी हम लूप पढ़ने वाले हैं और उस लूप का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। ठीक, लेकिन बार बार कुछ भी चीज को रिपीट करने से क्या लेना दे, क्या करेंगे रिपीट करके? बार बार रिपीट करने से क्या मतलब, कोई भी लाइन। ठीक है, जैसे प्रिंट एफ मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया वन। ठीक, तो इसी स्टेटमेंट को बार बार हमको रिपीट करना है। ठीक है, वन लिखा, इसी स्टेटमेंट को मुझे बार बार रिपीट करना है इस लाइन को। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ 10 बार रिपीट कर दूं, तो एक एक ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। तो बार बार मैंने इसको रिपीट करा। ठीक है, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ा ना, तो कॉपी पेस्ट करने का टेक्निक तो बेकार है जी। ठीक है, तो यही रिपीट करना है एक ही स्टेटमेंट को बार बार, यही लूपिंग का काम है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको गिनती लिखना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिंट एफ लिख देंगे वन। ठीक है, फिर कॉपी करूंगा, नीचे आऊंगा, ठीक है, इसको लिख दूंगा दो। ठीक है, स्लैश एन भी मैं देता जाता हूं ताकि लाइन ब्रेक कर दे। ठीक है, यहां लिख दूंगा तीन। ठीक है, स्लैश एन। ठीक है, ऐसे ही मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। ठीक है, और रन कर दूंगा इसको, कंपाइल और रन कर दूंगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा जी? ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3, यही प्रिंट हो जाएगा ना। क्यों? तो ठीक है, यही हम प्रिंट कर देंगे। अब मान लो कि मुझे कितना तक गिनती प्रिंट करना है, 100 तक। ठीक, तो क्या हम 100 तक ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे? क्यों कॉपी पेस्ट करेंगे 100 तक? नहीं करेंगे? करेंगे, करिए देंगे अब लिखना है तो। क्यों? चलिए जी, यहां पे मैं सीधा मेन मेथड लिख लेता हूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, कंपाइल करके रन कर दूं जी। चल जाएगा ना? नहीं चलेगा? जरा बताइए आप लोग, चल जाएगा कि नहीं? ये कहां गया मेरा कंपाइल नंपाइल जो करता है वो? ये क्यों नहीं चल रहा है भाई? क्यों बताओ के काहे नहीं चल रहा है? नहीं, स्कैन का जरूरत नहीं है क्या? हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड करूं, क्या करूं बताइए भाई?
मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये चलेगा? क्यों बताओगे नहीं बताओगे? वन लिखेंगे और 1 to 100 लिख दें तो अपने आप लिखा जाएगा। अच्छा कितना अच्छा होता ना 1 to 100 लिखने से अपने आप लिखा जाता तो। क्यों अच्छा होता ना? नहीं होता नहीं बताओगे जी ये क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों एरर आ रहा है, क्या कर दूं, हेडर फाइल इंक्लूड कर दूं? चलिए कर देता हूं। ठीक है, हैज इंक्लूड, फिर क्या लिखते हैं, stdio.h, यही लिखते हैं ना? चलिए जी अब चल जाएगा, नहीं चलेगा क्या कहते हो आप लोग? नहीं चलेगा क्यों भाई, क्यों चल गया? खैर इसके पीछे का साइंस क्या है मैं बताऊंगा कभी मौका मिलता है तो। ठीक है तो कर दिया इंक्लूड। ठीक है तो 4 तक 5 तक गिनती लिखा गया ना हमारा, तो क्या करें कि 100 तक लिखा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। ठीक, लूप कैसे चलाएंगे जी? आसान काम है लूप चलाना। लूप जो होता है, ठीक है, वो 3 तरह का होता है। ठीक है आप लोग समझ रहे हो 3 टाइप का लूप होता है। ठीक है कौन कौन सा 3 तो लूप होता है जी? अरे यार चल कमेंट ही कर देता हूँ इसको, तकलीफ हो रहा है तुम्हें तो। तीन तरह के कौन कौन सा लूप? एक होता है फॉर लूप, 2 होता है वाइल लूप, ठीक है, 3 होता है डू वाइल लूप। ठीक, हम सबसे पहले कौन सा लूप पढ़ेंगे? फॉर लूप। ठीक है आप लोग ध्यान से देखिएगा लूप। ठीक है अक्सर स्टूडेंट्स को लूप में कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार लूप चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है मैं मेन लिख लेता हूं। ठीक है फॉर का लिखने के तरीके क्या है जी? ऐसे लिखा जाता है और फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया जाता है। यहां पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा, ठीक है, और यहां पे फॉर लिखा जाएगा। ठीक है ऐसा ये सिंटेक्स होगा। ठीक है ये पूरा तो सिंटेक्स है नहीं, फिर यहां पे ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पे होगा इनिशियलाइजेशन, यहां पे होगा इनिशियलाइजेशन, कैसे लिखाएगा स्पेलिंग मेरे को नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दे रहा हूं। ठीक है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मान लो ना आप। ठीक है फिर यहां पे क्या होगा, कंडीशन, कंडीशन का स्पेलिंग सही लिखा हूं मैं, फिर इंक्रीमेंट, ठीक है इंक्रीमेंट या डी इंक्रीमेंट, ठीक है ये है इसका सिंटेक्स। ठीक है मैं मेन हटा देता हूँ यार, आपको कंफ्यूजन मत हो, सब मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है यही जो है फॉर लूप का सिंटेक्स है, मतलब लिखने का तरीका, आपको समझ में आ गया? यहां पे इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन का मतलब कोई भी यहां पे वेरिएबल आप बनाओगे या और उसमें वेरिएबल असाइन कर दोगे, या फिर आप वेरिएबल्स पहले से बना लिए होगे और यहां पे वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन कर दोगे। ठीक है फिर यहां पे आप कंडीशन लगाओगे। ठीक है यहां पे जो आप कंडीशन लगाओगे वो कंडीशन अगर हां होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस फॉर लूप के अंदर इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्लॉक जो है ये फॉर लूप का अंदर है, बॉडी है ये फॉर लूप का। ठीक है तो कंडीशन यहां पे अगर हां होगा तो यहां पे
प्रोग्राम जो है चलेगा जहां पे आएगा, अन्यथा लूप जो है नहीं चलेगा। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे इंक्रीमेंट या डी इंक्रीमेंट होगा वैल्यू, ठीक है। यहां पे जो वेरिएबल बनाएंगे उसका वैल्यू यहां पे या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक। इतना तक क्लियर है आपको। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं आई एन टी, आई नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक, और इसमें असाइन क्या कर देता हूं वैल्यू 1, ठीक। तो ये पार्ट जो है हो गया वेरिएबल बनने का और उसमें वैल्यू असाइन होने का, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आई ऐसे वेरिएबल बना यहां पे बाहर और यहां पे सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दिया आपने, ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, सीधा यहीं पे वेरिएबल बना के असाइन कर दिया। ये वाला पार्ट खत्म। अब आता है सेमी कॉलम के बाद यहां पे दूसरा पार्ट, ठीक। कंडीशन, कंडीशन कैसे दूंगा, जैसे हम इफ में देते थे, तो यहां पे क्या करूंगा, आई, आई मतलब ये वाला वेरिएबल है जिसमें कि 1 असाइन है, तो यहां पे इनडायरेक्टली 1 लिखा गया। फिर क्या करूंगा, लेस देन, ठीक। उसके बाद क्या करूंगा, 10, 10 का मतलब अगर, ठीक है, एक छोटा है 10 से छोटा है तो ये कंडीशन तो अभी ट्रू रिटर्न करेगा ना, मतलब 1 रिटर्न करेगा ट्रू, तब क्या होगा, यहां पे जो है आ जाएगा हमारा कंट्रोल, ठीक है। तो मैं 1 के जगह पे लिख देता हूं आई, ठीक, समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद यहां पे इंक्रीमेंट या डी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब अगर यही होगा, ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूंगा, ठीक, आई में एक जोड़ूंगा, ठीक है, और फिर उसको आई में मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, इतने लाइन का मतलब, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, ऐसे बताया था ना आपको मैं इंक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब यहां पे जो चीजें आप लिखोगे वो चीजें चलेगा, कब तक, कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू होता है, मतलब हां होता है, ठीक, सही होता है कंडीशन, तो यहां पे आ जाएगा। यहां पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट एफ, और यहां पे लिख दूंगा क्या, 1, ठीक, यहां पे लगा दूंगा सेमी कॉलन, ठीक। मैं मेन मेथड बनाया नहीं तो बना लेता हूं, मेन ऐसे, ठीक है। ये क्या मैं कर रहा हूं जी, चल भाई बना देता हूं, तुम मत नाराज हो, ये देखिए 1111 प्रिंट हो गया। यहां पे एक लगा देता हूं मैं स्लैश और एन, ठीक, ये लीजिए प्रिंट हो गया 1111, ये 10 बार प्रिंट हो गया। कैसे, अब ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे फॉर में आया, फॉर लूप में सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल बना आई नाम का और उसमें असाइन हो गया 1, ठीक, असाइन हो गया 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, मैं आई को प्रिंट कर देता हूं तो आपको और क्लियर नजर आएगा, परसेंट डी कॉमा आई, ठीक है। अब आप देखिएगा जी और स्पष्ट होगा आपको, 1 से लेकर के 9 तक गिनती आ गया ना, यहां पे थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूं तो स्पेस स्पेस करके होगा, ठीक है। ये देखिए गिनती लिखा गया 9 तक, लिखा गया ना, कैसे प्रोग्राम चला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे 1 लिखा है, ठीक है, फिर 2 लिखा है, फिर 3, 4, 9 तक। तो क्या हुआ, सबसे पहले यहां पे वेरिएबल बना और उस वेरिएबल में आई नाम के वेरिएबल में 1 चला गया, 1 चला गया, ठीक, ये बात सबको क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे आ गया, कंडीशन चेक कर लिया, ठीक है,
जैसे मान लो इसका वैल्यू हम कर देते हैं जीरो, ठीक है, तो आप देखना कुछ नहीं हुआ जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा, वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, फिर क्या करा, कंडीशन चेक करा यहां पे, ठीक। तो पहले क्या था, आई लेस देन 10 था तो कंडीशन ट्रू था, तो 1 2 3 पर प्रिंट कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे यहां पे जीरो कर दिया तो क्या हुआ, आई में तो 1 असाइन है ना, आई में 1 असाइन है, तो यहां हुआ, यहां पे क्या हुआ था, उसमें 1 लेस देन 0, क्या 1 माने क्या 1 छोटा है 0 से, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, इसीलिए नहीं चला था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो फिर यहां पे करेगा चेक कंडीशन, ठीक है। तो पहले यहां पे आएगा, वेरिएबल बनाएगा और उसमें डाल देगा वैल्यू 1, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक, क्लियर है आपको। फिर आएगा यहां, ठीक है, इसको मैं छोड़िए, अच्छा यहां पे आएगा, प्रिंट कर देगा 1, यहां पे 1 क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि सबसे पहले यहां पे कंट्रोल आया था, 1 असाइन हो गया, फिर यहां पे कंडीशन चेक करा, फिर यहां पे आ गया, ठीक है जी। फिर यहां पे जैसे ही आया तो प्रिंट कर दिया आई का वैल्यू, मतलब आई का वैल्यू 1 था तो प्रिंट कर दिया, ठीक, समझ रहे हो आप। फिर उस इस यहां पे आने के बाद कहां चला गया हमारा कंट्रोल, यहां इस ब्रैकेट पे आ गया, इसके नीचे अगर कुछ लाइन लिखा होता तो वो भी चलता, इस ब्रैकेट में लूप के आखिरी में आया और फिर यहां से आ गया यहां पे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट चलाया, फिर स्टेटमेंट चलाने के बाद जो है आ गया यहां पे, ठीक, यहां पे आया, तो यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 1। आप देखना, मैं कंपाइल रन करके चला के दिखा देता हूं आपको, ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, तो उसका मतलब ही है ये, ठीक, ये शॉर्टकट है ये, ठीक है, ये जो है ये शॉर्टकट है, शॉर्ट हैंड है। तो यहां पे आया, एक वैल्यू जो है बढ़ा, आई का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, आई का वैल्यू यहां पे एक बढ़ा तो कितना हो गया बताओ, पहले आई का वैल्यू 1 था, कंडीशन चेक करा, फिर 1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद यहां पे आ गया, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, आई में 1 जुड़ गया, ठीक, जुड़ गया ना यहां पे, ये लाइन समझ में आ रहा है आपको, तो 1 जब जुड़ा आई में और, तो कितना हुआ आई का वैल्यू, कितना आपको शायद अगर कंफ्यूजन है तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूं, ठीक। तो आई में पहले कितना था यहां पे 1, ठीक, यहां पे असाइन 1 हुआ था तो आई में 1 ही आएगा ना, तो आई का वैल्यू यहां पे था 1, फिर इसमें 1 और जुड़ गया तो यहां पे क्या रिजल्ट आ गया, आई का वैल्यू 1 था और ये 1 दोनों जुड़ा तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। जब यहां पे 2 आ गया ऐसे तो फिर यही 2 असाइन हो गया आई में, असाइन हो गया ना, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहां के बाद आया यहां पे इस वाले ब्लॉक में, ठीक, ये सेमी कॉलन से सेपरेट किया हुआ है, इस वाले ब्लॉक पे आ गया, तो यहां पे क्या हुआ आई का वैल्यू अब 2, ठीक है, जैसे मैं यहां पे कमेंट करके लिख दूं आई इक्वल टू 2, ठीक, तो आई का वैल्यू 2 हो चुका है यहां पे, ठीक है। तो 2 लेस देन 10, 2 लेस देन 10, तो एक कंडीशन ट्रू है कि फाल्स है, जरा बताइए आप लोग, ट्रू है ना, तो ट्रू है, तो आ गया कंट्रोल फिर से यहां पे इस वाले लाइन पे, और आई का वैल्यू हमने यहां पे प्रिंट कर दिया, ठीक। अब आई का वैल्यू कितना प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ ना, तो इसीलिए यहां पे 1 प्रिंट होने के बाद 2 आ गया, क्लियर है। फिर यहां पे जैसे ही प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद फिर से यहां पे ये वाला लाइन चला, ठीक है, 1 बढ़ाया, तो पहले आई का वैल्यू कितना था, 2 था जो यहां पे मैंने लिखा है, और यहां पे कितना है 1, तो 2 और 1 कितना होता है जी 3, यहां पे 3 आ गया और वो 3 असाइन हो गया आई में, ठीक, 3, तो इस आई का वैल्यू कितना हो गया, तो यहां पे 2 को हटा करके मैं 3 कर दिया। फिर यहां पे क्या कंडीशन चेक किया, 3 छोटा है 10 से, हां जी 3 लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। फिर से मैं यहां पे आई करता हूं और यहां पे प्रिंट क्या कर दिया,
यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट कर दिया, तीन। तो यहाँ पे आपका वही जो प्रिंट हुआ था तीन, ठीक है। चलिए जी, फिर ये कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, फिर से आई का जो वैल्यू था एक इंक्रीमेंट करा, एक बढ़ाया। यहाँ पे क्या था, तीन था ना, यहाँ पे लिख रखा हूँ भाई तीन था, यहाँ पे आ गया तीन, तीन और एक कितना होता है चार, तो यहाँ पे हो गया चार, और चार जो है आई में असाइन हो गया, ठीक। तो आई का वैल्यू कितना है चार, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ चार, ठीक। इसको मैं फिर से आई प्लस वन कर ही देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद, ठीक है, आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, आई का वैल्यू तो चार हो चुका है ना, फोर हो चुका है आई का वैल्यू, फोर लेस देन टेन, वैल्यू कंडीशन ट्रू हो गया ना, नहीं हुआ, कंडीशन ट्रू हो गया, तो फिर से यहाँ पे आया और फिर क्या प्रिंट कर देगा चार, तो हमारे प्रोग्राम में वही चार प्रिंट है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए जी, फिर उसके बाद यहां से कंट्रोल आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया, आई का वैल्यू कितना था चार, चार और एक हो गया पांच, पांच असाइन हो गया इसमें, आई में असाइन हो गया, तो यहाँ पे चार का वैल्यू कितना हो गया पांच हो गया ना। अब फिर से कंडीशन चेक करा, पांच लेस देन दस, कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया ना, तो फिर यहां से आ गया क्या प्रिंट हो गया पांच, ठीक, यहां पे भी पांच हो गया। तो यही चीज बार बार चला, ठीक। अब आप मान लीजिए कि आई का वैल्यू हो गया है नौ, ठीक, आई का वैल्यू हो गया नौ, ये नौ यहां पे प्रिंट हो गया, ठीक, आई का वैल्यू नौ हो गया था, यहां पे प्रिंट हो गया, फिर से यहां पे आया, तो आई का वैल्यू यहां पे कितना हुआ नौ, नाइन हो गया, नाइन और प्लस वन कितना हो जाता है टेन, तो ये टेन फिर असाइन हो गया वन में, ठीक है। तो फिर कितना हो गया, आई का वैल्यू टेन हो गया, यहां पे मैं कर देता हूं टेन, ठीक, और फिर यहां पे क्या आ गया, आई का वैल्यू टेन है तो यहां पे टेन आ गया, फिर क्या करा टेन लेस देन टेन, माने क्या टेन क्या दस छोटा है दस से, नहीं जी, दस दस से छोटा थोड़ी होता है, वो तो बराबर होता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहां पे दोबारा से प्रोग्राम नहीं चला हमारा, ठीक। तो इतना चीजें आपको क्लियर है, आपको लगता है कि सच में आई का वैल्यू दस हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, पक्का हो गया होगा, पक्का हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, कोई प्रमाण है दिखाइए दो। चलिए जी, मैं दिखा देता हूं आपको प्रमाण, ठीक। आई को मैंने यहां पे बनाया, ठीक है, और यहां पे अब प्रिंट करूं तो आई का वैल्यू कितना प्रिंट होना चाहिए, ये देखिए, लूप के अंदर जब प्रिंट करूंगा तो नौ तक ही प्रिंट होगा, ठीक है, फिर जब आई का वैल्यू दस होता है तो लूप नहीं चलता है, लेकिन ये लूप का ब्लॉक है ना, लेकिन यहां पे तो लूप का ब्लॉक नहीं है, मतलब ये लाइन जो है चलना चाहिए ना, लूप जब चल के पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, तब ये वाला लाइन चलना चाहिए ना, और अगर आई का वैल्यू 10 होकर के कंडीशन चेक करके अगर लूप जो है टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, तो फिर आई का वैल्यू यहां पे प्रिंट करें तो 10 होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, होगा तो मेरा फिलॉसफी मेरा लॉजिक सही है, नहीं हुआ तो मैं गलत हूं जी, देखते हैं क्या है, सच में 10 हो जाएगा, हाँ जी सच में 10 हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गया, आप ना फोटो फाटो खींच लो, खींचने का मर्जी होगा तो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो इस लूप में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, मैं फॉन्ट साइज बड़ा करता हूं, एडिटर ऑप्शन फॉन्ट 20 करा, ये लीजिए, ठीक, ये है, फोटो फाटो आप खींचेंगे तो खींच लीजिए, कॉपी में लिखेंगे तो लिख लीजिए, और इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, ये जो आपने लिखा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको शॉर्टकट से ऐसे आप लिख सकते हो,
ठीक ऐसे, लेकिन आपको ये अगर समझ में ना आए तो ऐसा लिख लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आप बताइए किसी भी तरह का कोई समस्या हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ डाउट हो तो पूछिए आप। कोई दिक्कत किसी को कुछ? ये लूप है। ठीक, तो गिनती लिखा गया, यहां पे अगर मैं बराबर का चिन्ह कर दूंगा ना तो क्या होगा, 10 तक गिनती अब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 10 तक गिनती लूप में प्रिंट हो गया, और बाहर उसी आई को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा बताओ जी, क्या प्रिंट करेगा? 11 होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, कर दिया जी, तो बाहर वाला को तो मैं हटा देता हूं, इस तरह से 10 तक गिनती प्रिंट करेगा ये। तो कोई किसी तरह का आपको अगर कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, और नहीं पूछना है तो कितना खुशी का बात है। तो बताइए जी, कोई समस्या किसी को कुछ नहीं है? आगे चलें, सब लोगों ने लिखा नहीं लिखा, सब लोग लिखे नहीं लिखे? चलिए तब तक मैं इसको रोक लेता हूं, आप लोग लिखिए। तो कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं पूछना है, चलिए जी, नहीं पूछना है तो अच्छा। आप लोग ये बताओ, गिनती तो हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है, अब यहां पे सीधा एक जीरो और बढ़ा दूंगा, ठीक है, और इसको मैंने कंपाइल रन कर लिया एक साथ, ठीक है, 100 तक गिनती लिख दिया, तो लिखा गया ना 100 तक गिनती प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ टेक्निक्स बताओ, ठीक है, कि हम पहाड़ा लिख दें, हैं? आई में क्या प्रिंट हो रहा है? आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है, ठीक है, तो आई में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है तो हम ऐसा और क्या करें इस आई के साथ कि बस हमारा पहाड़ा बन के रेडी हो जाए? क्या अच्छा, I का वैल्यू यहाँ पे 2 दे दूं? 2 दे दिया, अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्लस को हटा दूं, 2 कर दूं? अच्छा प्लस की जगह पे गुणा लगा दूं, क्या बात है, ये तो हमको पता ही नहीं था। चलिए जी, हो गया क्या? चलिए जी, 2 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर दें, 20 कर दूं, 20 कर देते हैं, मजा नहीं आया, इतना जगह बदलाव करना पड़ा मुझे, ये तो 16 तक आया, मजा नहीं आया, क्यों? 32 हो जाएगा, सही बोल रहा है, 16 2 32 2 64, तो मजा नहीं आया ना। सिंपल सा लॉजिक है यार, यहाँ पे गुड़ा का चिन्ह दे दो। ठीक, तरीके और भी है, मैं सबसे आसान वाला बता रहा हूँ, बन गया, ये क्या मजाक है, नहीं बना ना, क्या चीज? अच्छा यहाँ, हाँ यार मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसको ये छोड़ो, सीधा मैं दे देता हूँ ये। ठीक, तरीके तो और भी हैं लेकिन मैं सबसे इजीली वाला बता रहा हूँ आपको। प्रिंट हो गया पहाड़ा, ये कैसे प्रिंट हुआ आपको समझ में आया? खींच लीजिए फोटो वगैरह, ये कैसे प्रिंट हुआ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया, नहीं आया यार, बड़ा आसान है इसको प्रिंट करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा तरीके अगर बदल दूंगा तो थोड़ा सा वो कठिन हो जाएगा, सबसे इजीली टेक्निक मैं इस्तेमाल किया हूँ आपके लिए,
कि पहाड़ा प्रिंट हो जाए बड़े आसानी के साथ। ठीक है, नेस्टेड भी होता है, इसके अंदर लूप के अंदर लूप भी चलता है। ठीक है, तो बताऊंगा कैसे कैसे प्रिंट हुआ। चलिए हम खोल लेते हैं PAINT पेंट। ठीक है, आते हैं इधर, ये ऐसे। अरे यार मेरा डेट टाइम गलत क्यों बता रहा है, डेट सही कर लेता हूँ, रुको डेट टाइम। आज कितना तारीख है जी? 25 26 26 तारीख है, 27 तारीख है, पता नहीं भाई हो रहा होगा उसका एक दिन आगे। इधर करता हूं मैं इसको, अगर ये वाला लाइन में हटा दूं तो आप जानते हैं इसमें क्या प्रिंट होगा, आप जानते हैं ना इसमें क्या प्रिंट होगा? नहीं जानते? इसमें वन प्रिंट होगा, फिर का लिखा रहा है, दो प्रिंट होगा, फिर ये माप टच पैड मेरा बन नहीं रहा है, तीन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, सेप टूल्स ABCD वाला लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे वन होता है, ठीक है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, फाइव आता है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यही प्रिंट होता है ना लाइन बाई लाइन, ये रहता है। तो अब इसी में यहाँ पे आके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दो से, तो क्या होगा, ऊपर आता हूं और वन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट को यार बदलता हूं मैं, टाइम न्यू रोमन करता हूं। ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई करा दो से तो इक्वल टू कितना हो गया, आप लोग जानते हैं कितना हो गया। ठीक है, दो एक कम दो हो गया जी। नीचे आते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैं किससे, ये फॉन्ट मेरा बार बार क्यों बदल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा ये सारा तो हिंदी में ही लिखा है ना, इसीलिए तो कंट्रोल ए दबाता हूं मैं, एक बार मैं बोल देता हूं अंग्रेजी। ठीक है, दो इंटू दो इक्वल टू कितना होगा, चार दो कितना होगा, छः होगा ना, दो कितना होगा, आठ। अब यही प्रक्रिया मैं बार बार रिपीट करूंगा तो कितना हो जाएगा, दो दुना चार छ आठ दस, ऐसे हो जाएगा ना। तो आप लोग समझ गए कैसे गिनती प्रिंट हुआ, समझ गए ना, नहीं समझे? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि आई, ठीक है, मैं जैसा पेंट में आपको बताया वैसा ही आउटपुट चाह रहा हूं, तो इसको कैसे प्रिंट करना पड़ेगा, ये डी के जगह पे तो आई प्रिंट होता है ना, तो मैं क्या करूंगा, इधर लगा दूंगा ये, फिर करूंगा दो, फिर इक्वल टू का साइन दूंगा। ठीक है, और फिर क्या कर दूंगा, फिर से यहां पे लगा दूंगा परसेंट डी, उससे पहले यहां पे लिख दूंगा आई ऐसे। ठीक, तो इस आई से यहां पे प्रिंट हो जाएगा इस परसेंट डी में। ठीक है, और इस वाले से यहां पे प्रिंट हो जाएगा, यहां पे भी लगा दिया परसेंट डी। ठीक, आपको समझ में आया मैं यहां पे क्या करा, समझ में आया ना क्या किया मैं, ए आई एक दो तीन चार प्रिंट होगा इससे, और ए मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहां पे दो लगा दिया। ठीक है,
फिर बराबर का चिन्ह दे दिया, फिर यहाँ पे परसेंट डी लिखा, इस परसेंट डी से इन दोनों को कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आऊंगा मैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूंगा और ये क्या मजाक है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं यहाँ पे देता हूँ स्लैश एन दे देता हूँ, स्केप सिक्वेंस बोलते हैं इसको तो, ठीक है, स्लैश एन दे देता हूँ। अब जरा आप लोग बताइए, प्रिंट हो गया जी, तो आप लोग इस तरह से प्रिंट कर लोगे, नहीं होगा, हो जाएगा, कितना अच्छा ना, हम लोग एक बार ऑप्शन देते दो, एक बार ऑप्शन देते 10 और 2 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा एक बार में प्रिंट कर देता, होता ना, करिए अगर आप लोग, मैंने किया था अपने टाइम पे, आप लोग भी करिए, ठीक है। तो ये लाइनें समझ में आ गया, ये सब चीज सबको, फोटो फाटो खींचोगे तो खींच लो जी। खींच लिया सभी लोगों ने फोटो, ये वाला और ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे यहां पे तो चलेगा, लेकिन कंडीशन आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लिखो, ठीक है, कंडीशन नेसेसरी है, लिखना ही पड़ेगा। अब आपका प्रश्न शायद होगा कि ये नहीं लिखेंगे तो क्या नहीं चलेगा, चल जाएगा जी, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है, ये चलेगा नहीं चलेगा, हैंग कर गया भाई, अरे यार मत घूम, अब मैं क्या करूं, मेरे कंप्यूटर गए, हाँ गया अबे, ना भाई मत चला तू, इनफाइनाइट तक घुस जाएगा, इनफाइनाइट लूप में मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। जावा में आप प्रैक्टिस करता हूँ, जावा में तो चल जाता है जी, इसमें भी चली जाना चाहिए जी, जावा स्क्रिप्ट में भी शायद चल जाता है, मैंने काफ़ी पहले काम करा था, ठीक है, तो ये चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरा सिस्टम ही हैंग कर गया तुरंत, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए, नहीं है, इस लूप के अंदर भी हम लूप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं अभी आपको, आप इतने का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसको मैं सारा हटा दूं, दूसरा लूप का प्रैक्टिस करें हम, फॉर के जगह पे व्हाइल लूप का, इसको मैं क्या करता हूं ना, हटा के यहां पे कर देता हूं आई इक्वल टू 1, और इसको हटा देता हूं यहां से जी, इसको लगा देता हूं आखिरी में, कर देता हूं ऐसे ऐसे, अब ये चलेगा नहीं चलेगा, ओ नो, ये चलेगा नहीं चलेगा, अब बताओ, नहीं चलेगा, चलेगा, मैंने आपको बोला था कि ऑप्शनल है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये सेमी कॉलन आपको देना ही पड़ेगा जी, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, येलो हटा दिया, ठीक है, और फिर क्या होगा, कंपाइलर बाबा नाराज हो जाएंगे, कहेंगे नहीं झुकेगा मैं, ठीक है। तो क्लियर है सबको इतना, अगला लूप देख लें, अगला लूप वाइल्ड लूप है, देख लेते हैं उसको भी, देख लेना, क्या कहते हो, कोई कंफ्यूजन, देख लेना, देखें, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूं। वाइल ये लूप है एक ठो, ठीक है, सिर्फ इसको भी हटा देता हूं, ये मेन जो है ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि हटा दूं, आप कंफ्यूज होगे देख के, मैं हटा ही देता हूं आपके लिए, कंफ्यूजन मैं क्यों रखूं, ठीक है, ये लो, ये है वाइल लूप। यहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन, कंडीशन का स्पेलिंग सही है गलत है, कंडीशन यही होगा शायद सही, चलो कंडीशन यहां पे आएगा, यहां पे ट्रू आएगा तो ये वाला हिस्सा चलेगा, फॉल्स आएगा तो नहीं चलेगा जी, राइट, समझ में आ गया आपको व्हाइल लूप। चलिए तो इसको भी चला के देख लें, देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, देखते हैं, मैं नया बनाता हूं यहां से, ठीक है,
और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। किस नाम से सेव करूँगा? हैश वाइल डॉट सी। ठीक, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हैज इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। ठीक है, एम ए आई एन मेल ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा int i इक्वल टू वन सेमी कॉलन। ठीक है, वन सेमी कॉलन, फिर while यहाँ पे ये दिया ब्रेकेट। ठीक है, ये लो, तो ये है बॉडी। ठीक, हमको वाइल लूप के मदद से 10 तक गिनती प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे बताओ। यहाँ पे हम क्या कंडीशन देगी, 10 तक गिनती हमारा लूप प्रिंट करे। मैं ही बता देता हूँ जी, आई लेस देन 10, यही तो है ना, पी आर आई एन टी प्रिंट। यहाँ पे आएंगे, परसेंट डी लगा देंगे जी। ठीक है, कॉमा दे के कर देंगे यहाँ पे आई। ठीक, तो 10 तक गिनती प्रिंट हो जाएगा, अब नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या कहते हो, पक्का? मेरे को तो लग नहीं रहा। चलो ठीक है, देख लो आप प्रिंट होता है कि नहीं, आपको भी हम साक्षात दर्शन करा दें, लेकिन इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और हमारा सिस्टम को प्रॉब्लम आने लगेगा। फंस गया इनफाइनाइट लूप में, ये चला गया, हैंग कर गया। क्यों इनफाइनाइट लूप में चला गया? यहाँ पे वन असाइन हो गया ना, आई लेस देन 10, आई में वन है तो वन लेस देन 10 कंडीशन ट्रू आ गया, यहाँ पे वन प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म, इस ब्रैकेट के पास से आके फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर चेक करेगा आई का वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 10 ट्रू हो गया ना, तो ये हमेशा तो 1 ही रहेगा ना आई का वैल्यू। जब आई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा सदियों तक। ठीक, तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसका आप लोग मतलब तो समझते ही हो ना। ठीक है, इसका मतलब फिर से मैं बता दूं आपको, तो i प्लस 1 ये होता है। ठीक है, बस और क्या, कंपाइल करके हम रन कर देते हैं, यही है वाइल लूप। समझ में आ गया आपको वाइल लूप? नहीं समझ में आया, वाइल लूप यही है जी, बाकी कुछ नहीं है वाइल लूप। ठीक, बड़ा आसान काम है ना। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, पूछना है तो जी पूछ लीजिए। अब यहीं पे स्टार का साइन देके और यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, आप तो जानते ही हो यार, 10 का पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा। हो गया ना, अब 90 तक ही वो प्रिंट हुआ। इक्वल टू का साइन भी यहाँ पे दे दूंगा तो 100 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसी में ही मैं क्या करूँगा कि स्लैश दे करके एन दे दूंगा तो नीचे से ऊपर तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, वाइल लूप हो गया। ठीक है, ऐसे तो कुछ पूछना है किसी को, कुछ दिक्कत है तो आप बताइए, है दिक्कत नहीं है, बताओ भाई, कुछ समस्या, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। हाँ, नहीं बताओगे या किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं? दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, और है, नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो और भी अच्छी बात है। तो आगे चले ना चले, क्या कहते हो, आगे चले, कितना दूर आ गए, क्या नहीं समझा, क्या कह रहे हो, जब तक भिखारी ना बन जाए चलते रहने का जी। भिखारी तो हम बनेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि हम भिखारी बनने वालों में से है ही नहीं। ठीक है, भिखारी तो राजनेता बनते हैं, हम थोड़ी बनते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो बताइए जी, इसमें कोई समस्या, समस्या मुझे है।
थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा मुझे। आगे चलें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पूछना किसी को नहीं है इसमें। चलिए जी, पूछना है किसी को? जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया है। क्यों, अगला कौन सा लूप है जी? डू वाइल लूप है, वो अगला लूप है। ठीक, आपको समझ में आ गया। मैं इसको सेव करता हूं और इसको नाम क्या देता हूं? डू वाइल, ठीक, डॉट सी। ठीक, अब डू वाइल का स्वरूप कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो ये डू ऐसा है और ऐसा, और यहां पे नीचे लिखा जाता है वाइल। ये है वाइल का संरचना। ठीक, यहां पे होता है कंडीशन। ठीक है, ये है आपका कंडीशन, यहां पे ट्रू या फॉल्स। डू व्हाइल लूप के बारे में कहा यह जाता है कि कंडीशन या तो सत्य हो या तो असत्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक न एक बार डू व्हाइल चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसमें एक बार चल लेता है प्रोग्राम, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाता है। ठीक, और यहां पे सेमी कॉलन दे दिया जाता है, बाकी लूप में सेमी कॉलन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये यहां पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहां पे खत्म नहीं हो रहा है, इसका बॉडी यहां तक है, इसलिए इसमें नहीं होगा सेमी कॉलन इसके यहां लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, वाइल लूप क्या है, यहां पे खत्म हो रहा है, इसका बॉडी इतना है और यहां पे ये खत्म हो रहा है, इसलिए यहां पे सेमी कॉलन दिया जाएगा। तो किसी को कोई डाउट, ये सिंटेक्स है जी। चलिए, इससे भी हम दस्तक टेबल प्रिंट कर लेते हैं, दस बोल रहा हूं, दस्तक गिनती लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पे आके ऐसे कर लेंगे। ठीक है, यहां पे आई एन टी लिखेंगे, आई इक्वल टू वन, एक वेरिएबल बना लिया हमने। ठीक है, और यहां पे कंडीशन क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक हमारा गिनती प्रिंट हो जाएगा। और ये है लूप का बॉडी। ठीक, ये है लूप का बॉडी, यहां पे हम क्या करेंगे, पी आर आई एन टी प्रिंट एफ, यहां पे लगा देंगे परसेंट डी कॉमा आई, यहां पे सेमीकॉलन। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब इस करंट का हम क्या करें, चलिए इससे भी कभी निपट लेंगे, लाइट आ जाता है उसके बाद बाकी को देखते हैं जी। रिज्यूम, ठीक है, अब चलिए जी, तो ये हो गया इतना तक। ठीक है, अब आई का वैल्यू यहां पे वन है। ठीक है, ये डू आई डू के अंदर आएगा, बॉडी में प्रिंट कर देगा यहां से आई को। ठीक है, आई को प्रिंट करेगा, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन, तो आई का वैल्यू तो हमेशा वन ही रहेगा, तो इसलिए अभी चलाऊंगा तो इनफाइनाइट लूप में फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए आई प्लस प्लस कर देंगे हम, समझ गए आप लोग। अब जो है चलाऊंगा तो प्रोग्राम ठीक ठाक चलेगा। ये देखिए प्रिंट हो गया दस्तक गिनती, मैं यहां पे एक स्पेस दे देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए स्पेस देने के बाद क्या हुआ, हमारा दूरी दूरी बना लिया। अब मैंने कहा था कंडीशन सही हो या गलत हो एक बार चलेगा ही, इसको मैं यहां पे जीरो कर देता हूं, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल रन करूंगा तो क्या होगा, एक प्रिंट हो गया, लेकिन एक के बाद बाकी प्रिंट नहीं होगा। ठीक ठीक है, तो यहां पे हमने सबसे पहले वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज कर लिया, फिर डू के बॉडी के अंदर स्टेटमेंट हमने चला दिया जो भी था, और लास्ट स्टेटमेंट हमने चला दिया इंक्रीमेंट करने का। ठीक है, सामने आप लोग इधर ध्यान दो। ठीक है, तो इसमें मैं यहां पे एक वैल्यू बढ़ा दिया आई का। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी में कंडीशन चेक करा। ठीक है, तो कंडीशन चेक करा तो यहां पे आई का वैल्यू पहले क्या था, वन था, यहां पे जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, टू हो गया आई का वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा टू, टू लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हुआ, फिर से यहां पे आया यहां पे, और यहां से फिर से अगला स्टेटमेंट चला। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करा तो दो का दो पहले था आई का वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे आई इक्वल टू कर दूँ ना ऐसे, दो दो हो गया था, अब दो हो गया था तो यहाँ चेक करेगा दो लेस देन, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा नहीं नहीं दो था तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करके तो तीन ना करेगा, ठीक है तो तीन कर दिया, अब चेक करेगा तीन, ठीक है लेस देन इक्वल टू दस, फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा तीन, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जैसे आएगा तो आई का वैल्यू कर देगा चार, और फिर यहाँ पे चेक कर लेगा कंडीशन चार लेस देन माने छोटा है बराबर है दस के, हाँ बराबर तो है जी, छोटा तो है बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, फिर यहाँ पे आएगा और फिर प्रिंट स्टेटमेंट को चलाएगा यहाँ पे, फिर इंक्रीमेंट करेगा चार की जगह पे हो जाएगा पाँच, ठीक है, और बस यही प्रक्रिया बार बार चलेगा, आखिरी में आप मान लीजिए आई का वैल्यू हो गया दस, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, आने के बाद क्या किया दस को प्रिंट कर दिया, फिर वैल्यू कर दिया इंक्रीमेंट करके ग्यारह, फिर ग्यारह लेस देन इक्वल टू दस, क्या हो गया जी कंडीशन फाल्स हो गया। तो अगर मैं बाहर अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट मैं कुछ और ही मेथड पढ़ लिया प्रिंट एलन कर देंगे, ठीक है, चलिए जी आ गया 11 आखिरी में तो 11 था, ठीक लीजिए। तो इस लूप में किसी को किसी भी तरह का समस्या हो परेशानी हो तो जरा पूछ लो आप। अब इसी में ना आप साइन लगा दो यार इक्वल टू मल्टीप्लाई का कर दो पांच, ठीक है, और फिर क्या कर दो कंपाइल और रन, तो पांच दहा पचास हो गया, ठीक। तो कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए, पूछना नहीं है तो कह दीजिए कि हम सर्वगुण संपन्न हो चुके हैं। अब फोटो फाटो खींचेगा कोई तो खींच लो जी। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें, नहीं पूछना है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो जी, नहीं पूछोगे तो हम मान लेंगे कि सबको सब कुछ समझ में आ गया, क्यों टेंशन ना लो, प्रोजेक्ट दूंगा बनाने को ना तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट दूंगा बनाने को फिर पता चलेंगे जी। तो समझ में आ गया ना सबको, नहीं आया क्या चीज, मेरे को लगता है ना कि सबको कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है ना, और ऐसा कंफ्यूजन है कि वो ना हाँ कह सकते हैं ना तो ना कह सकते हैं, क्यों कंफ्यूजन है अभी। वैसे कितना परसेंट समझ में आया होगा जरा बताओ, क्यों 25% 50% 75% 100% 75% आ गया, ओहो भाग्य हमारे, हम तो धन्य हो गए जी, ठीक है। तो ठीक है आप लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिएगा इसका, ठीक है, जैसे इफ एल्स का नेस्टेड होता है ना, इफ के अंदर इफ हम लोग लिख देते हैं, वैसे ही किसी भी लूप के अंदर कोई भी लूप को हम लिख सकते हैं। इसका छोटा सा झलक मैं आपको कल दिखा दूंगा, ठीक ठीक है। तो क्या कहते हो आगे पढ़े या विराम दे दें, क्या कहते हैं आपको बता दूं जो मोबाइल गेम कंप्यूटर गेम होते हैं वो सब कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए कंप्यूटर गेम्स मोबाइल गेम मत खेला करो। ये गेम का निर्माण क्यों होता है आपको मालूम है, कंप्यूटर इंडस्ट्री को चलाने के लिए गेम बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए आप गेम ना खेला करो। आपको अगर खेलना ऑन मंडे फाइंड अराउंड, एक रुकना रुकना थोड़ा सा रुकिए रुकिएगा, मैं बताने इसमें क्या वाला था ये बताओ मेरे को, मैं भूल गया, ये तो कंप्लीट हो ही गया, मैं कुछ बताने वाला था क्या, हाँ कंप्यूटर इंडस्ट्री को चलाने के लिए गेम बना है,
देखिए इंसान को खाली बैठने मत दो जी, खाली बैठेगा तो कुछ सोचेगा, जब कुछ सोचेगा तो कुछ करने लगेगा तो उसका विकास हो जाएगा, इसलिए उसको खाली समय मत बैठने दो। खाली है तो उसके मोबाइल में गेम डाल दो, उसे कंप्यूटर में गेम डाल दो, गेम खेलता रहे, दुनिया के वातावरण से दूर रहे, लोगों से दूर रहे, ठीक है, और आखिरी में वो गेम का नशेड़ी बन जाए, ठीक है, गेम का गुलाम बन जाए और कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं करेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, फिर वो गुलाम बन जाए। वो अलग बात है कि गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसे हैं अभी, ठीक है, लेकिन गेम कैंसर है जी, गेम नहीं खेलने का, ठीक है। अरे देश के लिए कुछ झंडा गाड़ो यार, क्यों? तो ठीक है, मैं बंद कर देता हूं इसको, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये है आप फोटो फाटो स्क्रीनशॉट कुछ खींचना चाहो तो खींच लो, ये खींच लो, इसका खींच लो, इसका खींच लो, बंद कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने बड़े ध्यान लगा के पढ़ा।